और अभी तक जो कंफर्म केसेस हो चुके हैं, अभी ना तो मैं आउटसाइड जा सकता हूँ, उनको भी अलाउ नहीं है कि ना तो किसी स्टूडेंट से मिलना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जहाँ जबर शब्द और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो है थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा गमगीन न्यूज़ है कि चाइना में जो है ना वायरस दोबारा फैल रहा है। चाइना में नियरली जो फ्यू जो है सिटीज़ हैं, कुछ प्रोविंस हैं, जैसे आ गया थियानजिन आ गया, बीजिंग आ गया, छंगतू आ गया, शंघाई आ गया, और अभी तो मेरे प्रोविंस में भी जो है वायरस भी बड़ी जल्दी से फैल रहा है। पहले जो था मेरे प्रोविंस में जस्ट फ्यू सिटीज़ थे जहाँ वायरस था, जस्ट एक या दो केसेस थे, लेकिन मेरे सिटी जो था बिल्कुल सेफ था। और मेरे प्रोविंस में सबसे जो सेफेस्ट सिटी था वो जस्ट मेरा सिटी ल्योचो था, लेकिन एक शख्स की वजह से अभी जो है पूरे सिटी को जो उसने ना बर्बाद कर दिया, कि एक सिर्फ एक आदमी की वजह से जो है ना अभी पूरे सिटी को उन्होंने क्वारंटीन कर दिया है। पहले आपको बताता चलूं कि जो चाइनीज़ हैं अभी वायरस को जो है ना बहुत डरे हुए हैं वायरस से ये लोग, तो क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट ही वायरस इधर हुआ था और उनको पता है कि जब एक दफ़ा वायरस फैल जाएगा तो फिर लाजमी बात है बहुत सी जो है ना अमवात होंगी, बहुत सी डेथ्स होंगी, और उनको इस वजह से जो है ना वायरस से वो बिल्कुल बहुत डरे हुए हैं कि जैसे एक भी कहीं भी किसी भी सिटी में आता है ना वायरस का केस, तो वो उधर की सब सारी सोसाइटी, उधर का नियरली आप सोचें कि जो पूरा सिटी है ना वो ब्लॉक करके रख देते हैं, वो पूरे सिटी को क्वारंटीन कर देते हैं जस्ट एक वायरस के केस की वजह से। अभी जैसा कि आ गया सीन हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में अभी भी वायरस के हैं, लेकिन लोग उधर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, वो बल्कि कहते हैं कि यार वायरस तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो लेकिन चाइना में जो बिल्कुल सीन जो है ना उलट है, वो बिल्कुल जो है ना आवाम बिल्कुल बहुत डरी हुई है। अभी यस्टरडे जो है ना मैं इधर से विंडो से देख रहा था नीचे कि रोड्स बिल्कुल सुनसान है, आवाम जो है बिल्कुल डरी हुई है, कोई भी ना आउटसाइड नहीं जा सकता, और जैसे कि मैं भी अभी आउटसाइड नहीं जा सकता। और मेरे सिटी का सीन्स कुछ ऐसा हुआ, पहले तो मेरा सिटी जो था बिल्कुल सेफ था, लेकिन एक जो है ना शख्स आया बीजिंग से, बीजिंग से वो जब आया इधर एक दोस्त से मिलने अपनी से, तो वो अब उधर उसने एयरपोर्ट से कोविड का टेस्ट करवाया, कोविड के टेस्ट के बाद उसको जो है ना उन्होंने सेंड कर दिया एक होटल में। होटल में कहा उसको कहा कि 3 डेज़ अपने आप को क्वारंटीन करना है, क्योंकि अभी तक आपका जो है ना वायरस का टेस्ट भी नहीं आया, 3 डेज़ आपका डेली कोविड का टेस्ट लेंगे, उसके बाद जो है ना आपको आउटसाइड जाने की अलाव होगा। लेकिन उस बंदे ने जो है ना किसी भी तजवीज़ को नहीं माना, और उसी वक्त उसने अपने एक दोस्त को कहा कि हाँ यार इस होटल में मैं हूँ तो इधर आओ, और उसने उससे मुलाकात की। उसके बाद जो है ना वो मार्केट में गया, उसके बाद अपनी दोस्त के साथ वो क्लब गया, तो उसके बाद जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि यार ये जो ये शख्स है फलां फलां शख्स है फलां फ्लाइट नंबर से आया है और इस होटल में उसको स्टे करवाया गया है, आप उधर जाके उसको जो है ना पकड़ लें, उधर उसको जो है ना हॉस्पिटल एडमिट कर दें क्योंकि उसका जो है वायरस का टेस्ट है पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पुलिस जो है इधर पहुंची है होटल में, उधर उसको देखा कि वो तो अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने तो है सीसीटीवी फुटेज चेक की कि ये बंदा किधर किधर गया है, और उसकी लोकेशन चेक की मोबाइल लोकेशन से, और क्यूआर कोड, जैसा कि आपको पता होगा मेरी लास्ट वीडियोस जितनी भी हैं, अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ तो एक पहले क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ, जैसा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो उधर भी मुझे एक ना क्यूआर कोड पहले स्कैन करना पड़ता है, फिर मुझे एंट्रेंस देते हैं। उस क्यूआर कोड का जो मकसद होता है वो यही होता है कि जैसे ही जो है ना मैं इंटर होऊंगा उधर वायरस, उधर अगर मैं इंटर होऊंगा मार्केट में, तो उधर उनको पता लग जाएगा कि इस टाइम इतने सेकंड पे मैं इधर इंटर हुआ हूँ, और मेरे बाद जो है ना कितने लोग जो है ना इस मार्केट में इसी टाइम पे इतनी जो है ना टाइम पे वो इंटर हुए हैं। तो इसके लिए जो है ना टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे अभी उसका वायरस हो गया तो उसका उसी वक्त जो है ना कोड रेड कर दिया गया, और जितने भी वो उधर से उसके बाद जितने भी लोग गुजरे हैं उधर उसी मार्केट से या उधर ही उन्होंने स्कैन किया है, उसके साथ गुजरे हैं जो टच में आए हैं, तो उनका भी जितना भी है ना क्यूआर कोड उसको रेड कर दिया गया, और उनको उधर जिधर जिधर भी वो गया था जिस जिस जगह भी गया था उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, उधर उन्होंने जो है क्वारंटीन कर दिया। अभी वो जिस जगह स्टे कर रखा था उस बंदे ने, वो बिल्कुल जो है ना मेरे घर से 5 मिनट की जो है जस्ट वॉक है, उधर एक होटल है उधर उसने स्टे कर रखा था, और मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। अभी ना तो मैं आउटसाइड जा सकता हूँ,
ना ही जो मेरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइड जा सकते हैं, ना ही कोई इनसाइड जा सकता है, अभी बिल्कुल बाउंड करके रख दिया। हत्ता कि जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स की सोसाइटीज़ जो है ना वो मेरे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के इनसाइड ही है, उनको भी अलाउ नहीं है कि ना तो किसी स्टूडेंट से मिलना, ना तो क्लास लेना, कहीं भी नहीं जा सकते, ना ही वो आउटसाइड जा सकते हैं, ना ही कोई इनसाइड जो है ना दाखिल हो सकता है। पहले तो जस्ट वन केस था अभी जो बाहर से आउटसाइड से आया था, उसके बाद जो अपनी दोस्त से मिला उसको भी जो है ना वायरस का पॉजिटिव आ गया, और उसकी जो दोस्त थी वो डॉक्टर थी वो अपनी जो है हॉस्पिटल में गई, उधर भी जो है ना कुछ वायरस की अभी कह नहीं सकते अभी तक तो, खैर जस्ट दो आए हैं उधर से पॉजिटिव, और उसकी दोस्त भी जो है ना अपने दोस्तों से जान जान मिली है, उनकी जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और अभी तक जो कंफर्म केसेस हो चुके हैं वो 4 हैं, और जिस जिस सोसाइटीज़ में भी केस निकला है उसमें होल सोसाइटीज़ को उधर से घरों से निकाल के जो है ना होटल में क्वारंटीन कर दिया है, और अभी तक सिचुएशन पता नहीं कहाँ जाएगी। अभी तो खैर एवरी डे जो हम है ना कोविड का टेस्ट दे दिया, मैंने 3 अभी तक जो है ना कोविड के टेस्ट दे चुका हूँ, एवरी डे जो है ना पिछले 3 दिनों में एवरी डे एक कोविड का टेस्ट ले रहे हैं, एवरी डे कोविड का टेस्ट ले रहे हैं, ना तो हमें आउटसाइड जाने की अलाउ है, ना ही कुछ हम सामान लेने जा सकते हैं, और अभी सिर्फ जो है ना अपने हाउसेज में जस्ट ना बाउंड कर दे करके रख दिया उन्होंने, और जितना भी अगर आपने सामान ऑर्डर करना है जैसे कि आपको घर के लिए कुछ सामान चाहिए या फिर जो है ना आपको खाने पीने का जितना भी सामान है, क्योंकि रेस्टोरेंट भी जो है ना वो क्लोज कर दिया उन्होंने, आप इनसाइड में खाना नहीं खा सकते, आप जस्ट ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हैं तो विद इन हाफ एन आवर वो डिलीवर कर देते हैं आपके घर तक, और अभी इसीलिए बिल्कुल घर में जस्ट बाउंड होके रह चुके हैं। अभी इन्हीं वायरस की सिचुएशन की वजह से पहले जो था उन्होंने 3 दिन के लिए जो था, सैटरडे और संडे को तो वैसे ही छुट्टी थी तो इसलिए स्कूल्स सब ऑफ थे, लेकिन उन्होंने मंडे का भी उन्होंने पहले दे दिया कि सैटरडे संडे और मंडे को जो है ना 3 दिन आपका ऑफ कर दिया उन्होंने, स्कूल यूनिवर्सिटी जितने भी वर्क थे पूरे सिटी को उन्होंने बिल्कुल क्वारंटीन कर दिया। उसके बाद भी यहाँ लाजमी बात है जो पहले तो एक वायरस का केस था अभी 4 हो गए हैं, उन्होंने फर्दर जो है 1 वीक के लिए जो है ना क्लासेस सस्पेंड कर दी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस हैं या नर्सरी स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल हैं जितने भी हैं उन्होंने बिल्कुल सबकी क्लासेस सस्पेंड कर दी। अभी प्राइमरी स्कूल के जो सीन है वो तो कुछ यूँ है कि उन्होंने उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस कर दी, लेकिन नर्सरी और जितनी भी जो है आगे यूनिवर्सिटी की वो तो अभी भी क्लासेस उन्होंने बिल्कुल जो है ना सस्पेंड कर दिया, एवरी डे उनका कोविड का टेस्ट ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन जो है किधर किस तरफ जाती है। इसकी वजह से अभी मेरा भी जो काम से छुट्टी हो चुकी है कि नियरली 1 वीक जो है छुट्टी, दोबारा उसके बाद देखें सिचुएशन पता लगेगी कि वायरस की क्या सिचुएशन होती है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट जो है नरमी करेगी या सख्ती करेगी। आप सब लोगों से दुआ है कि दुआ करें हमारे लिए, अल्लाह खैर करे, क्योंकि जब भी चाइना में वायरस आती है या किसी भी सिटी में एक भी वायरस का केस आता है तो इट्स मीन के पूरा सिटी जो है ना बंद कर देते हैं, एवरी जो काम है वर्क है समथिंग जो सब एवरीथिंग जितनी भी है वर्क हों जितने भी स्कूल्स हों जितने भी किंडरगार्टन्स हों सब कुछ हैं वो क्लोज कर देते हैं। उसकी वजह से लाजमी आता है बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार होता है वो भी साथ जो है बंद हो जाता है, और हमारा तो वैसे भी पार्ट टाइम होता है कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, और अगर नहीं काम होगा क्योंकि चाइनीज़ का तो परमानेंट होते हैं उनको तो मंथली सैलरी जो फिक्स होती है, लेकिन हमारी जो होती है पर आवर की सैलरी होती है, और जो है हम जितना काम करेंगे उतने लाजमी बात है पैसे कमाएंगे, इसलिए अभी 1 वीक जो है काम जो है हमारा बंद हो चुका है। अभी हम भी क्वारंटीन हो चुके हैं, ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना कहीं घूमने जा सकते हैं, ना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे सिटी के, मेरा तो पहले प्लान था कि आपको दिखाऊं वीकेंड पे घुमाऊं कि आपको जो है ना नाइट का व्यू दिखाऊं पूरे जो है ना हमारे सिटी का, और कुछ पार्क्स में जाने का मेरा मूड था, लेकिन अभी तो हम जस्ट घर में बाउंड हो चुके हैं, तो जितनी भी अभी इंफॉर्मेशन जो वीडियो होंगी वह मैं अभी घर में ही बना सकूँगा, कहीं तो जा नहीं सकूँगा। खैर तो इंशाल्लाह अभी चलो फिर ठीक है, अगर काम नहीं है मेरे पास तो कोई मसला नहीं, मेरे पास टाइम है, मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि वीडियोस जो है पहले से बना के रख लूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है साथ साथ अपलोड करता रहूँ। आप हमारे लिए जो है दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें जो है ना जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकाले और जल्दी से जल्दी हमारे काम स्टार्ट हो जाए, स्कूल स्टार्ट हो जाए, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए, और हमारे लिए जो हक में जो बेहतर हो अल्लाह पाक वही हमारे हक में करें। आप भी ट्राई करें कि जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, और हमें जो अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में,
आज की वीडियो को हम इधर ही इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाइना के मतलब चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं जो है ना आपको अपने फेसबुक पेज का जो है ना लिंक भी शेयर कर दूँगा। आप उधर भी मुझसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपके एवरी क्वेश्चन का जो है ना आंसर ऑन टाइम दो। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।